Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss After Apple Picking. It's a poem written by Robert Frost and it is our lesson number 9. This poem, After Apple Picking, it is written by Robert Frost, 1874. Means Robert Frost was born in 1874 and he lived up to 1963. This poem is comprised of 42 lines and it was first published in his collection of poems named North of Boston in 1914. And after 1 year, in 1915, it was published in USA, USA, or rather its copy was published in USA in 1915. When its first publication took place, the poet was in England. It was 1914. Now, we are going straight to the topic. That's our poem. My long two-pointed ladder sticking through a tree towards heaven sitting, and there is a barrel that I didn't fill beside it, and there may be two or three apples I didn't pick upon same bow. Now point kya keh raha hai ki point jo hai ye फर्स्ट पर्सन में पॉइंट लिखी है, क्योंकि इसमें आई रिपीट हो रहा है. जो नरेटर है ये फर्स्ट पर्सन में अपनी कहानी बता रहा है. ये पहले इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये नरेटर जो है ये पॉइंट खुद भी हो सकता है या कोई और शख्स भी हो सकता है जो इस कहानी को बयान करता है. क्या करता है कि प्रैक्टिस है एप्पल पिकिंग की. एप्पल पिकिंग जब वो सेब वगैरह तोड़ने का मौसम होता है, ऑटम का सीजन होता है, तो उस वक्त क्या कैफियत होती है एक लेबरर की. वो कैसे अपनी सीढ़ी जो है टहनियों के साथ ब्रांच के साथ उसको वो अटैच करता है. फिर इस सीढ़ी के इन स्टेप्स पर चढ़कर वहाँ देर तक रहता है और इसके साथ वो जुड़े का समा उसे महसूस होता है. जब ब्रांच हिलती हैं उसके वेट की वजह से अपने पाँव में वो दर्द महसूस करता है. कुछ ऐसा उसने इस पॉइंट में पॉइंट इजहार कर रहा है. इस पिक्चर को वो हमारे सामने इन वर्ड्स के जरिए पेश कर रहा है. दूसरी बात यह है कि ये पॉइम है, ये फ्री वर्स में लिखी हुई है. फ्री वर्स यानी इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, इसमें कोई रिदम नहीं है, बल्कि फ्री वर्स में लिखी गई पॉइम है. इस पॉइम में पॉइंट ने अपने मतलब ब्यूटिफुली वर्ड्स के साथ कुछ उसके अपने ही अंदाज में उसको प्ले कर दिया है. तो आइए पहली लाइन को हम डिस्क्राइब करते हैं. माय लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर स्टिंग थ्रू अ ट्री टुवर्ड्स हेवन स्टिल. मेरी जो जब मैं अपने सेब के पेड़ के पास पास था, तो मैंने सेब तोड़ने के लिए पहली यानी सीढ़ी जिसमें दो साइड्स थे, इस तरह की सीढ़ी का कुछ मुजाहिर कह रहा है पॉइंट, जिसमें दो साइड्स थे, दो उसके जो नोक्स थे वो लगे हुए थे ग्राउंड पर और दो यानी रेक्ट हुए थे हेवन की तरफ, आसमान की तरफ थे. उसी पर ये नरेटर बैठा हुआ था और अपने वो सेब तोड़ रहा था. स्टिकिंग थ्रू ए ट्री towards heaven settle, and there is a barrel that I didn't fill beside it, and there may be two or three apples I didn't pick upon same bow. और पॉइंट क्या कह रहा है कि जो उसके पास बैरल है, यानी जो चीज जब वो सेब तोड़ता है, तो
सेब को डाल रहा है एक बैरल में जो इस सीढ़ी के पास ही लगा हुआ होता है, तो इसमें वो फिलअप कर रहा है। तो अभी ये बैरल जो है फिलअप नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जो एप्पल्स हैं वो कुछ ब्रांच पे कुछ बोज पे अभी एप्पल्स बाकी हैं, जिन्हें पॉइंट अभी तोड़ने में नाकाम हुआ होता है, या ये नरेटर नाकाम होता है, उनको वो तोड़ नहीं सकता है, उनको वो इसमें अपने इस बैरल में डाल नहीं सकता है। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, क्या कह रहा है, अब चाहे बाकी कितने एप्पल्स वहां रहे, 2 हैं 3 हैं 10 हैं 15 हैं, लेकिन उनको मैं तोड़ने वाला अब नहीं हूं, उनको अब मैं पिक अप करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे अब मैं थक चुका हूं, मेरी मेरी एनर्जी जो है वो अब वेस्ट हो चुकी है, मच एग्जॉस्टेड, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, आई हैव नो इंटेंशन टू पिक दोज एप्पल्स अप, सेंस ऑफ द विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, द सेंट ऑफ द एप्पल्स। यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि जो विंटर स्लीप की रूह होती है, वो जो विंटर स्लीप की यानी एक किस्म की जौहर होती है, यानी इंट्रिंसिक नेचर जो होता है विंटर स्लीप का, विंटर स्लीप का मतलब जो एनिमल्स जो हाइबरनेशन में जाते हैं, बहुत देर तक सो जाते हैं, कह रहा है कि जो इन एप्पल्स की महक है, इस विंटर स्लीप की रूह मैं इसमें पाता हूं। आई एम ड्राउजिंग ऑफ, आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंथनेस ऑफ माई साइट, आई एम ड्राउजिंग ऑफ, मुझे नींद आ रही है, ऊंघ आ रही है, मैं अपने आप को अब यानी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूं, आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंथनेस ऑफ माई साइट, लेकिन जो अजीब गरीबपन जो एप्पल तोड़ने का यानी इन एप्पल्स को हासिल करने का, इनके इस पेड़ के ब्रांचेस से ये जो नजारा था, मैं अपनी आंखों से, हालांकि नींद छाई हुई है मुझ पर, मैं इनसे दूर नहीं कर सकता हूं, आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पैन ऑफ ग्लास। तो मैंने क्या किया वहां, एक चीज पैन ऑफ ग्लास यानी ये एक मेटाफर वहां इस्तेमाल हुआ है, तो क्या कह रहा है कि सिकिम इट दिस मॉर्निंग, जब सुबह मैं उठा, कुछ सर्दी का माहौल था, फ्रोजन कंडीशंस थी, तो एक ट्रक जो था, ड्रिंकिंग ट्रक जो था, ड्रिंकिंग ट्रक का मतलब है जो एक इस किस्म की कोई चीज होती है जिससे पुराने जमाने में, क्योंकि वाटर सप्लाई वगैरह का इंतजाम नहीं होता था कि इसमें पानी जमा किया जाता था, या तो खुद ह्यूमन बींग्स इसके पीने का इस्तेमाल करते हैं, या जानवरों को चारा वगैरह वगैरह डाला जाता था, तो इस वहां इसमें पानी था, तो इसमें एक लहर बनी हुई थी, किसकी, आइस की, यानी फ्रीज हुआ था वाटर, इस आइस की फ्रीज को उसने सिकिम कर दिया, यानी इसको उसने, यानी जैसे जाग उतारते हैं उसको उसने उठा उठा दिया, तो उसके बीच में से उसने जैसे शीशे में से देखा जाता है, उसी इस आइस के इस गिलास में से उसने, इसने यहाँ पैन ऑफ गिलास का उसका इस्तेमाल किया है, इसको के बीच में से वो देखता है, एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ द होरी ग्रास, किस चीज को देखता है, होरी ग्रास, होरी ग्रास का मतलब है ग्रास कवर्ड विद लेयर ऑफ स्नो, यानी बर्फ से ढकी हुई जो जमीन थी वहां, जो वहां नजारा था, जो वहां घास था बर्फ से ढकी हुई थी, इसके बीच में से मैं उसको देखने लगा, मेल्टेड, ये अब क्या है, हाथ की गर्मी गर्मी से ये अब पिघलने लगा, और एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, बट इट वॉज वेल, और ये गिर गया, ये आइस का ये गिलास गिर गया मेरे हाथों से, और मैंने उसको तोड़ते हुए देखा, बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर बिफोर इट फॉल, एंड आई कुड टेल वट फ्रॉम माई ड्रीमिंग ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक, मैग्निफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर। और इन लाइन्स में पॉइंट क्या कह रहा है कि इससे पहले कि ये गिरता, मुझ पे नींद छा चुकी थी, मैं नींद की गिरफ्त में आ चुका था, ये नरेटर कह रहा है, एंड आई कुड टेल व्हाट फॉर्म व्हाट व्हाट फ्रॉम माय ड्रीमिंग
वॉज अबाउट टे, और मैं आपको बता सकता था कि नींद से पहले, एक तो नींद में जाने के बाद इंसान ड्रीम देखता है, ख्वाब देखता है, वो बताने की कोशिश कर, लेकिन नरेटर कह रहा है कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि नींद में मुझे कौन से ख्वाब आने वाले हैं, क्या चीज मैं देख सकता हूं ख्वाब में। इस अपने ख्वाब में वो देख सकता है मैग्निफाइड एप्पल्स, बड़े बड़े एप्पल्स में देख सकता हूं, अपीयर एंड डिसअपीयर, जो नमूदार होते थे कभी नहीं होते थे, स्टेम लॉन्ग स्टेम एंड एंड स्टेम स्टेम आउट एंड एंड एवरी एवरी फ्लेक ऑफ द रेजेट शो रेजेट शोइंग क्लियर। रेजेट का मतलब है कि यानी लाइट ब्राउन कलर जो एप्पल्स का होता था, ये मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई देता था। माय इंस्टेप्ट ऑक नॉट ओनली कीप्स द एक, जो मेरा इंस्टेप्ट ऑर्क था, इंस्टेप्ट ऑर्क मीन्स जो पाओं का पॉइंट के पाओं का जो तलवा तलवा था, ये हिस्सा जो जो उसका था, तो ये इसमें दर्द महसूस होने 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 लगा, क्योंकि ये लीडर के इस स्टेप से, जो राउंड किस्म के स्टेप्स इस लीडर में बने हुए थे, इस पे उसकी वेट की वजह से उसका हम ये कह सकते हैं, जब ज्यादा वेट होता है तो ब्लड सप्लाई जो है वो इसमें कमी महसूस होती है, या और कुछ, या इसमें जो मसल्स का वो सुन्न हो जाना, इसमें कुछ पेन महसूस होना, ऐसा कुछ नरेटर का कहना है। आई फील द लीडर स्वे एज द बोज बेंड, मैंने इस लीडर को जुड़ते हुए महसूस कर दिया था, क्योंकि मेरे वेट से ये टहनियां जो जो थी ये बेंड हो जाती थी। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बिन द रंबलिंग साउंड ऑफ द लोड ऑफ द एप्पल्स कमिंग इन। जब मैं इस बिन से, सेलर बिन से, इस जो चीज मेरे पास थी जिसमें मैं एप्पल्स को स्टोर कर रहा था, इन एप्पल्स के गिरने की, इनके लड़खड़ाने की आवाज भी मैं सुन रहा था। फॉर आई हैव एंड टू मच, क्योंकि मैंने बहुत सारे एप्पल्स अब पिकअप कर दिए थे ऑफ एप्पल पिकिंग, क्योंकि मैं अब उकता सा गया गया था इस एप्पल पिकिंग से, यानी मैंने बहुत सारे सेब जमा कर दिए थे, तोड़ दिए थे, अब मैं उसे थक चुका था। आई एम ओवरटायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर्ड, जिस जो फसल मैं चाहता था वो फसल बिल्कुल मुझे मिली थी, मैंने बहुत सारे जमा कर दिए थे, जो मेरी चाहत के मुताबिक मैंने इन सेबों की फसल हासिल कर दी थी। देयर वर 10,000 फ्रूट 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 टू टच चेरिश इन हैंड लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट फॉल एट ऑल। अब नजारा क्या था, बहुत सारे एप्पल, 10,000 मीन्स बहुत सारे एप्पल थे, इननेमरेबल एप्पल्स वर देयर। मैं इनको अच्छी तरह से हाथ में एहतियात से पकड़ लेता था, लिफ्ट डाउन फिर नीचे की तरफ इस बिन में डालता था, एंड नॉट लेट फॉल, एहतियात करता था कि कहीं ये गिर न जाए। फॉर ऑल दैट स्टक द अर्थ, अगर ये गिरते, नो मैटर मैटर इफ नॉट ब्रूज्ड और स्पैकेड विद स्टेबल, स्टेबल मीन्स जो तने होते थे काटे हुए फसल फसल के, उनसे वो प्रिक हो जाते, ब्रूज हो जाते, यानी जख्मी हो जाते, तो ऐसा फिर ये कहीं के किसी काम के न रह जाते। वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप, तो वहां जो वर्थलेस एप्पल्स का एक हीप ढेर वहां जमा होता था, वो फिर उनकी जगह उसमें पड़ जाती थी, जिनको फिर बोरियों वगैरह में भर दिया जाता जाता है, जहां यहाँ हमारे कश्मीर में भी ऐसा होता है कि जो यानी जो एप्पल्स जो हैं जो गिर जाते हैं किसी वजह से, इनकी वो ब्रोजिंग हो जाती है, तो इनको हम एक ढेर में जमा करते हैं, फिर फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है ताकि इनसे जूस हासिल किया जाता है। तो वही एहसास है नरेटर का भी, एज ऑफ नो नो वर्थ, क्योंकि इनकी अब कीमत नहीं रह, नो मार्केट, इनका कोई मार्केटिंग वैल्यू नहीं रह जाता है। वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइंड माइंड व्हाटएवर स्लीप इट इज, तो कोई भी इस चीज पर अंदाजा लगा सकता है कि मेरी इस स्लीप का, मेरी इस नींद का जो है, इसमें डिस्टर्बेंस कैसे पैदा हो सकती है, जो जिस किस्म की भी नींद मुझे आ गई थी। वायर
While he not con, the woodchuck could say whether it is like this long sleep. While he not, अगर वो गया ना होता, ये impersonification point ने लगा दी है. While he not gone, the woodchuck could say, जो woodchuck एक किस्म का एक rodent होता है North America में, एक गिलहरी किस्म का जानवर होता है जो ज़मीन के नीचे नीचे रहता है और winter में hibernation को जाता है. Could say whether it is like his long sleep, कि मेरी नींद उसकी नींद के मुकाबले में यानी उसकी नींद जैसी जैसी है या नहीं. As I describe its coming on or just some human sleep, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी नींद आने वाली